हाउ टू डाउनलोड एंड प्ले GTA San Andreas PC लैपटॉप कंप्यूटर। क्या गाइस आप लोग भी अपने PC लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो San Andreas को जो है डाउनलोड एंड प्ले करना चाहते हो? सो गाइस आप सही वीडियो के पर हो। तो आज की वीडियो में मैं आपको फुल टोटल के साथ बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने किसी भी PC लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर ग्रैंड थेफ्ट ऑटो San Andreas को कैसे डाउनलोड एंड प्ले कर सकते हो, यानी कि अपने GTA San Andreas को। सो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक बताने वाला हूँ, यानी कि दोनों ट्रिक अगर आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा कंप्लीट देख लेते हो इस वीडियो को, तो मैं गारंटी देता हूं आपका जो GTA San Andreas है आपके PC लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर इजीली प्ले हो जाएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो कि आपको पूरे YouTube पे अभी तक किसी ने भी नहीं बताई होगी। तो चलिए गाइस आपको वो ऑफिशियली ट्रिक बता देते हैं, लीगल वाली ट्रिक बता देते हैं, जिससे जूनेंट मेथड के साथ आप यहां पे भाई अपने GTA San Andreas को जो है किसी भी PC लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड एंड प्ले कर सकते हो। तो चले गाइस चलते हैं अपने ट्रिक और मेथड के ऊपर। यहाँ पे चलिए मेरे भाई, सबसे पहले आपको अपनी GTA San Andreas को अपने किसी भी PC लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर डाउनलोड एंड प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी कि इंस्टॉल करने के लिए जो ट्रिक जो मेथड मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना है। और गाइस वीडियो के अंदर मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि दो ट्रिक आपको बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, कोई भी पार्ट आपको मिस नहीं करना है। अगर पहली ट्रिक वर्क नहीं करती तो मैं आपको दूसरी ट्रिक बताऊंगा, अगर दूसरी ट्रिक वर्क नहीं करती तो पहली ट्रिक वर्क कर जाएगी, यानी कि दोनों ट्रिक में से जो भी वर्क करेगी आपकी जो गेम है वो प्ले हो जाएगी आपके पीसी लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर। अगर पहली ट्रिक वर्क नहीं करती तो टेंशन नहीं लेना है, दूसरी ट्रिक को आप फॉलो कर लेना मेरे भाई। तो चलिए गाइस सबसे पहले आपको ग्रैंड थेफ्ट ऑटो San Andreas को अपने पीसी लैपटॉप के ऊपर जो है प्ले करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको अपनी कंप्यूटर लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। अब वहीं पे मैं आपको सारा मेथड बताऊंगा फुल प्रोसेस के साथ मेरे भाई यहां पे। तो चलिए मेरे भाई सबसे पहले आपको अपनी पीसी लैपटॉप कंप्यूटर की होम स्क्रीन के ऊपर आ जाना है। अब यहाँ पे मैं आपको सारा मेथड बताऊंगा, सब कुछ तरीका बताऊंगा कि कैसे आपको ग्रैंड थेफ्ट ऑटो San Andreas यानी कि GTA San Andreas को कैसे अपने पीसी लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर प्ले करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। इसके लिए देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है और दोस्तों हमारी ट्रिक से अगर आपका GTA San Andreas आपके पीसी लैपटॉप कंप्यूटर के ऊपर प्ले हो जाता है तो मेक श्योर लेना चैनल पे, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में इस बेल आइकन को प्रेस कर लेना। अगर आपको एंड्रॉइड में प्ले करना है, डाउनलोड करना है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, तो वीडियो वाले सेक्शन में जाकर आप मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हो मेरे भाई। तो सबसे पहले देखो आपको ग्रैंड थेफ्ट ऑटो San Andreas यानी कि GTA San Andreas को कैसे प्ले करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले देखो आपको क्या करना पड़ेगा, तो पहली ट्रिक हमारी जो यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। तो पहली ट्रिक में सबसे पहले आप लोगों को कुछ नहीं करना मेरे भाई। तो चलिए मेरा पहली ट्रिक यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। पहली ट्रिक आपको क्या फॉलो करना है, सबसे पहले देखो कोई भी आपको अपना क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, कोई भी ब्राउजर आपको ओपन करना है। और ब्राउजर ओपन करने के बाद देखो भाई मैं आपको बता दूं, जो ट्रिक आपको पहले किसी ने भी बताई है वो सब भूल जाओ, जो मैं आपको बताऊंगा वो अब आपको लगानी है, ठीक है। आपको ये नहीं करना कि भाई पहले ट्रिक वर्क नहीं कर रही, दूसरी ट्रिक वर्क नहीं कर रही, दोनों ट्रिक वर्क करेगी। अगर आप प्रॉपर वीडियो को देखोगे, अगर पहले ट्रिक वर्क नहीं करती तो दूसरी देख लेना। तो सबसे पहले देखो आपको सर्च वाली ऑप्शन जो देखने को मिल रही है इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैं जो आपको बताऊंगा सेम टू सेम आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है रॉक स्टार लॉन्च, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा रॉक स्टार गेम्स, ये देखो आपको ये सर्च करना है रॉक स्टार गेम्स। जैसे आप सर्च करोगे सो आपके सामने ये इंटरफेस आएगा। अगर आपने पहले भी ये ट्रिक अप्लाई की है, पहले भी किसी और के वीडियो आपने देखे हैं, फिर भी आपका जो है गेम इंस्टॉल नहीं हो रहा, प्ले नहीं हो रहा है, तो आप टेंशन मत लेना। वीडियो को मैंने बोला था कि भाई स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखना। ये देखो आपको यहां पे देखने को मिल रहा है San Andreas, देख सकते हो आप लोग लाइव प्रूफ के साथ। तो आपको यहां पे क्या करना है, देखो आपको ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है लॉन्चर वाला, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने वाले देखो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। या आप रॉकस्टार गेम्स के ऊपर भी क्लिक कर सकते हो, अगर आपको यहां से नहीं करना है तो आप रॉकस्टार गेम्स के ऊपर भी क्लिक कर देना। यहां पर क्लिक करने वाले देखो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आएगा, ये देखो आपको इस तरह से शो करेगा सारा कुछ। यहां पे देखो आपको सारे गेम्स जो है मिल जाएंगे, GTA की जो भी गेम है, GTA हो गया, GTA Vice City हो गया। और अगर आप लोगों को GTA Vice City भी प्ले करना है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। तो आपको GTA Vice City, GTA 5 अगर दोनों प्ले करने हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, चैनल पे चले जाना, वहां पे वीडियो मिल जाएंगे। GTA 5 प्ले करना चाहते हो Vice City दोनों में से। हम बात करें San Andreas की, तो हमें San Andreas कैसे प्ले करना है, तो यहाँ पे देखो आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिला है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने वाला देखो आपको जो डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने वाला देखो आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे देखो आपको देखने को मिलेगा फ्यूचर डाउनलोड्स पे, देख सकते हो यहाँ पे रॉकस्टार गेम लॉन्चर आपको मिल जाएगा। सो उसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज पे आपको क्लिक करना है। अगर आपने पहले से कोई भी रॉकस्टार गेम लॉन्चर डाउनलोड किया हुआ है तो पहले वाले को आपको अनइंस्टॉल कर देना है, क्योंकि पहले वाले में ट्रिक अप्लाई नहीं हो रही है और आपको गेम भी शो नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर लाइकली आपने पहले ट्रिक अप्लाई की थी, किसी की वीडियो देख के आपकी गेम नहीं आ रही है, शो नहीं हो रही है, San Andreas आपकी बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो पहले वाले को डिलीट कर देना लॉन्चर को। अब ये न्यू वाला आपको डाउनलोड करना है तो डाउनलोड लॉन्चर पे क्लिक
करना है। यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने में देखो आपका जो रॉकस्टार गेम लॉन्चर है वो आपके डाउनलोड पर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे डाउनलोड पर क्लिक किया यहाँ पे देखो मेरा रॉकस्टार गेम लॉन्चर आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करने देखो रॉकस्टार गेम लॉन्चर पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे सो यहाँ पे यस यू नो आपसे पूछेगा तो इसको आपको यस कर देना है। यस करने के बाद देखो अब आपको क्या करना है आगे वो मैं आपको बताऊंगा। यस कर देना है मेरे भाई, यहाँ पे आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो पहले से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है, आपको भी इसको डाउनलोड कर लेना अपने रॉकस्टार गेम लॉन्चर को। रॉकस्टार गेम लॉन्चर डाउनलोड होने के बाद उसको आपको क्या करना है दोबारा से ओपन करना है। ठीक है, अपना जो रॉकस्टार गेम लॉन्चर है वो आपको ओपन कर लेना है। जैसे आप लोग इसको ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह से जो इंटरफेस आएगा मेरे भाई, देखो मेरा जो रॉकस्टार गेम लॉन्चर है वो ओपन हो रहा है कनेक्टिंग टू द रॉकस्टार गेम सर्वर्स। और ये देखो आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा तो आपको उसको यहाँ पर वेट करना। ठीक है, जैसे आप लोग वेट करोगे तो आपके सामने पूरी तरीके से प्रॉपर तरीके से ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद देखो आपको गेम को कैसे प्ले करना है, डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है अपने ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास को, वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे आप इसको ओपन कर लोगे, ओपन करने के बाद मेरे भाई तो मेरे भाई अब आप गेम कैसे प्ले करोगे अपना ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो आपको इधर साइड में लेके जाना है अपना माउस कॉर्नर, और यहाँ पे देखो गेम्स का जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे आपका गेम कहीं भी आपको शो नहीं होगा। ठीक है, तो देखो आपको कैसे अपना ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास डाउनलोड करना है यहाँ से अपने रॉकस्टार गेम लॉन्चर से। तो आपको देखो यहाँ पे क्लिक करना है माई लाइब्रेरी पे, और यहाँ पे देखो आपको क्लेम फ्री गेम्स पे आपको क्लिक करना है। देखो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास आपको यहाँ पे फ्री मिल जाएगा, और इसको इस तरह से ऑप्शन आएगा, ये देख सकते हो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास, यहाँ पे क्लेम पर क्लिक करना है। जब क्लेम पे क्लिक करोगे तो आपकी जो गेम है वो देख सकते हो यहाँ से हो जाएगी पूरी तरीके से, और यहाँ पे देख सकते हो आपका जो गेम है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो रिडीम देखते हो ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास पीसी, यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा टोटल फ्री रिलीज प्रमोटेशन, आपको उस पर क्लिक करना है। रिडीम ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास जैसे क्लिक करोगे तो आपका जो गिफ्ट है वो यहाँ पर रिडीम हो जाएगा। देख सकते हो आप लोगों का रिडीम होने के बाद, उसके बाद देखो मेरा जो सक्सेसफुल रिडीम हो चुका है। सो मेरे भाई ये सब करने के बाद आपका जो गेम है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। आपके यहाँ पे देख सकते हो ये पूरा आपका जो है 4GB का होगा, देख सकते हो डाउनलोडिंग ग्रैंड थेफ्ट ऑटो सैन एंड्रियास। देख सकते हो मेरा इंटरनेट अच्छा खासा स्पीड में आ रहा है, तो देख सकते हो मेरी जो गेम है वो यहाँ पे मेरे जो है भाई रॉकस्टार गेम लॉन्चर से डाउनलोड होना स्टार्ट यहाँ पर हो चुका है। तो देख सकते हो ये पूरा 16 मिनट में मेरा जो गेम है पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने रॉकस्टार गेम लॉन्चर से गेम को डाउनलोड कर सकते हो। बट अगर आपका शो नहीं होता है, फिर भी आपका गेम नहीं आ रहा आपके रॉकस्टार गेम लॉन्चर में, आपने पहले ट्रिक को अप्लाई कर लिया तो आप दूसरी ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो देख सकते हो मेरा जो गेम है वो डाउनलोड हो रहा है, तो पहली ट्रिक अगर वर्क करती है तो ठीक है, दूसरी ट्रिक भी आप यूज करके जाना मेरे भाई वीडियो में। तो चलिए मेरा भाई, जब आपका गेम कंप्लीटली डाउनलोड हो जाएगा पहली ट्रिक में, तो आपका जो गेम के इंटरफेस है वो इस तरह से आएगा, आपका जो गेम है वो पूरी तरीके से डाउनलोड होने के बाद चल जाएगा मेरे भाई। तो ये पहली ट्रिक थी भाई, इसको आप यूज कर सकते हो। बट अदरवाइज पहली ट्रिक